हेलो फ्रेंड्स, नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या है कि हमारे जो हमारी ओल्ड जावास्क्रिप्ट थी उसमें हमारा वेर कीवर्ड था। वेर बेसिकली क्या होता है कि कीवर्ड की आप कोई चीज़ डिक्लेरेशन कर रहे हो कि मैंने एक की है और उसकी वैल्यू क्या है। सपोज़ एक वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करनी है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए कितने टाइप्स के करंटली अभी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंटली वर्क करते हैं। तो सपोज़ जैसे कि हमारा जो पहली जावास्क्रिप्ट थी 2015, उसमें बेसिकली हमारा वेर कीवर्ड है। उससे पहले हम एक कंसोल लेते हैं ब्राउज़र में, आप राइट क्लिक करोगे, कंसोल ओपन करोगे और उसमें जाके आपका कंसोल टैब है, यहाँ पर सपोज़ करो मैं कोई एक वैल्यू है मेरी वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस अब इसका नाम क्या है। सपोज़ मैंने इसका नाम रख दिया ए, ए इक्वल टू मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 5। तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपका ये ए है इस ए की वैल्यू असाइन होगी है क्या 5 इन दिस क्लाइंट की मशीन पे। सपोज़ अगर मैं ए की वैल्यू चेक करूँगा तो मुझे वो 5 मिलेगी। तो जब कहीं पर भी यूज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ए को यूज करूँगा कि मेरी ए की वैल्यू क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। अब नाउ लेट्स कि हमारे पास कितने तरह के होते हैं। अभी बेसिकली रिसेंटली मैं अगर आप चेक करो तो अभी हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल हैं। पहले हमारा वेर है, दूसरे नाम से अब ये लेट एंड कॉन्स्ट, ये हमारा न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 में, ECMAScript 6 में। तो बेसिकली अब इन जावास्क्रिप्ट में यूजर कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल यूजिंग 3 कीवर्ड्स दैट्स आर वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट में अब एक पर्सन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए 3 तरह के कीवर्ड्स उसके पास अवेलेबल है, जैसे कि आपका वेर है, लेट है एंड कॉन्स्ट है। अब ये वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंट है, दोनों अलग अलग कैसे काम करते हैं, तो हम वो सब आपको बताएंगे। नाउ हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वेर कीवर्ड्स। पहले मैं इसको रैप कर लेते हैं। तो नाउ वेर कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, कि भी जो हमारा वेर कीवर्ड है वो जावास्क्रिप्ट में, दी वेर इज़ द ओल्डेस्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ये हमारा पुराना कीवर्ड है जिसके थ्रू हम कोई वैल्यू जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद इसका स्कोप क्या है, स्कोप इन द सेंस कि हम इसको कहाँ तक यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ में ये अवेलेबल है। स्कोप एसेंशली मीन्स वेयर दोज वेरिएबल आर अवेलेबल फॉर अस वेयर डिक्लेरेशन आर ग्लोबली स्कोप और फंक्शन एंड लोकली स्कोप। तो जो आपका वेयर कीवर्ड है उसको हम फंक्शन के अंदर स्कोप में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ग्लोबली भी कर सकते हैं और लोकली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वेरिएबल ए इक्वल टू 5, हमने ए की वैल्यू 5 डिफाइन कर दी। अब देन नाउ मैंने एक फंक्शन बनाया अंडरस्कोर वेर के नाम से, स्टार्ट किया एंड किया। अब इस ये तो मेरा फंक्शन का स्कोप हो गया। अब इस स्कोप के अंदर मैंने ए की वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ, उसके बाद मैंने अंडरस्कोर वेर फंक्शन को कॉल किया एंड देन उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग ए किया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए हम वो चेक करते हैं। पहले वेर ए की वैल्यू डिफाइन की मैंने 5 एंड एक मैंने फंक्शन बनाया
वेयर इक्वल टू, सॉरी वेयर नाम से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना फंक्शंस ये हमने डिफाइन कर दिया। अब नाउ लेट्स मैं वेयर को कॉल करता हूँ, मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5। क्यों 5 क्यों आई, क्योंकि ये तो ग्लोबली हमारा फंक्शन, 5 इसलिए आई मेरी वैल्यू क्योंकि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ग्लोबली डिफाइन की हुई है, कि भी मैंने ए की वैल्यू 5 डिफाइन कर दी। अब ये मुझे फंक्शन में भी एक्सेसिबल मिलेगा और फंक्शन के बाहर भी, कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, हमारी वैल्यू प्रिंट होएगी हमारे पास ग्लोबली है तो ये 5। आप इसको अपने हैंड पे भी ट्राई करके देख लीजिए, थोड़ा सा मैं कंसोल बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में ईजिली लगे। ये हमारी 5 आ गई, समझे ग्लोबल स्कोप क्या होता है हमारा। देन नाउ हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेसेबल वाला, इट कैन बी एक्सेसेबल एनी, मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है तो। वेयर विद इन दिस फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बनाया वेयर नाम से और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ और उसको मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, तो मैं इस फंक्शन के अंदर इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट क्या मैं इस फंक्शन के बाहर भी ए वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, ए कैनॉट बी एक्सेसेबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन, क्योंकि मैंने इसे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो मैं इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हम इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं, अभी मैंने किया फंक्शन, अब्स मैंने क्या किया वेयर को कॉल किया, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 5। बट अगर क्या मैं कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट कराता हूँ, सॉरी क्या आया, रिफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइन, मतलब इसने एरर दे दिया कि जो आप ए को प्रिंट कराना चाहते हो वो कहीं पर डिफाइन ही नहीं है, डिक्लेयर ही नहीं है, कोई मेरे पास उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन स्कोप है, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो यानी कि आपने ऊपर वाले में तो हमने यहाँ पे ग्लोबल डिफाइन कर दिया और फंक्शन में कॉल करा, फंक्शन इसकी वैल्यू हमने चेक कर ली तो हमें मिल गई। अब यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया तो ये ग्लोबल नहीं रहा, अब ये फंक्शन के अंदर ग्लोबल है बट बाहर एक्सेसेबल नहीं है, तो ये एज ए लोकल हो गया। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जैसे वेयर ए है, ए की वैल्यू मैंने 4 डिफाइन की, यूजर कैन रीडिक्लेयर, यानी कि मैं इसको एक बार डिक्लेयर करने के बाद दोबारा डिक्लेयर कर सकता हूँ, वेरिएबल यूजिंग वेयर, वेयर कीवर्ड वाला वेरिएबल। सपोज मैंने वेयर दोबारा से डिफाइन कर दिया 5, उसके बाद मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू में आउटपुट क्या मिलता है, हमें क्लियर कर लेते हैं अपना। यस, अब नाउ यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल ए की वैल्यू 5 की, उसके बाद मैंने ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 4 की, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 कर दी। देन नाउ नेक्स्ट मैंने इसको डिक्लेयर ना करके, यहाँ तो मैंने क्या किया वैल्यू को डिफाइन कर दिया, ए की वैल्यू 4 कर दी, और यहाँ मैंने इसको फिर से रीडिक्लेयर करके इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब नाउ तीसरी बार मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी वैल्यू को अपडेट किया है और कंसोल डॉट लॉग में जो हम ए को प्रिंट कराएंगे
क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, जो हमारी लास्ट में अपडेट हुई है 6। अगर आप प्रिंट करा कर देखोगे तो मुझे ये 6 मिलेगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। अब नाउ थर्ड चीज़, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये क्या कहता है हमें, इसको पहले हम इफ़ यूजर यूज द वेर वेरिएबल बिफोर द डिक्लेरेशन इट इनिशलाइज विद द अनडिफाइंड वैल्यू द आउटपुट इट शो इन टू द कंसोल। ये कहता है कि सपोज करो मैं कंसोल पे गया और मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, कंसोल डॉट लॉग, मैंने इसको कर दिया ए बी कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट ले लेता है ये। और मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ मैं बाद में, यानी कि इनिशियलाइजेशन मैंने पहले कर दिया और वैल्यू मैंने इसकी बाद में डिफाइन कर दी, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, अनडिफाइन। क्यों? क्योंकि वेयर एक्चुअली क्या है, होस्टिंग यूज करता है। होस्टिंग मीन्स आपने जितने भी वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन किए हैं, जब हमारी जावास्क्रिप्ट इंजन स्टार्ट होता है तो पहले उसको ऊपर वेरिएबल को स्टोर कर लेता है। सपोज अब इसकी वैल्यू क्या है, इसने इंस्टॉलेशन क्या किया, वेरिएबल ए की, हाँ भाई ए की वैल्यू नीचे डिफाइन है, यानी कि वेरिएबल ए को ही डिक्लेयर कर देगा ऊपर स्टार्टिंग में। अब उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या हुआ कि मैंने कंसोल डॉट ए को क्लोज करा दिया, अनडिफाइंड वैल्यू थी इसकी, और उसके बाद मैंने इसको डिफाइन किया तो मेरी अनडिफाइन आया। तो बेसिकली जो आप वेरिएबल को होस्टिंग के थ्रू या आपने डिक्लेयर तो कर दिया है बट उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, और उसको आप कॉल करते हो, चेक करते हो, तो उसकी वैल्यू आपको अनडिफाइंड मिलती है। ये आपको क्लियर है? अब नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज प्रॉब्लम विद द वेर कीवर्ड, कि जो हमारा वेर कीवर्ड है हम उसमें वैल्यू डिफाइन भी करते हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, रीडिक्लेयर भी कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके नुकसान क्या हैं। तो देखो जैसे नुकसान के तौर पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एक वेरिएबल है बी, मैंने उसका वैल्यू क्या डिफाइन कर दी, हाय रोहित आज़ाद। एक वेरिएबल और डिफाइन किया मैंने सी, इसकी वैल्यू मैंने 4 कर दी। अब मेरे पास कुछ स्टेटमेंट ऐसी आती है, या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, या किसी और की रिक्वायरमेंट है, या आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कि भी अगर आपकी सी की वैल्यू ज़्यादा हो 3 से, तो भाई आप बी बी को वैल्यू चेंज कर दो, या आप एक काम करो एक वेरिएबल बना लो और उसकी वैल्यू में ये डाल दो से हेलो आजाद। अब यहाँ पे देखो क्या गौर करने वाली बात है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वी, अब यहाँ मेरी इफ़ कंडीशन है, और मैंने यहाँ क्या किया, फिर से डिक्लेयर किया है बी, जो कि बी मेरा बी और सी दोनों ऊपर डिक्लेयर है, दोबारा से मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने वैल्यू अपडेट नहीं किया है, मैंने डिक्लेयर किया है बी से हेलो। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि मैंने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा रहा हूँ वैल्यू, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, आप इसको अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। सपोज मैंने क्या किया, एक मैंने ये वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी बी, एंड उसके बाद एक मेरा और आया स्टेटमेंट कि भी आपके पास आ गया है और इसकी वैल्यू ये आ गई है 4। अब एक आपके पास कंडीशन आती है कि इफ़ कंडीशन, देन आपको उस कंडीशन के बेस पे आपने लॉजिक लगा दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, अब आप चेक कर रहे हो तो बी की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप देखा जाए तो ये बी यहाँ पे ग्लोबल है, क्योंकि आपने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, हे हाय रोहित आज़ाद, ये आनी चाहिए क्योंकि ग्लोबल है, राइट। नहीं, हम चेक करते हैं, से हेलो आज़ाद,
से हेलो आज़ाद, ये वैल्यू क्यों आई? जबकि यहाँ तो हमने इसको स्कोप के अंदर डिफाइन किया हुआ है और रीडिक्लेयर भी किया हुआ है, और ये ग्लोबल है तो चेंज नहीं होनी चाहिए, अपडेट तो मैंने की नहीं। ये इसलिए आई क्योंकि ये जो वेयर कीवर्ड है ये हमारा स्कोपिंग के अंदर काम नहीं करता है, एक तरह से फंक्शन स्कोप है हमारा वेयर, ना कि बैकटिक स्कोप। तो ये हमारा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वेयर के अंदर, नहीं समझे? देखो जैसे कि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल असाइन करा लिया, उसकी वैल्यू दे दी, कंडीशन लगा दिया, और दोबारा से वेरिएबल बी की वैल्यू हमने एक रीडिक्लेयर करके वैल्यू चेंज कर दी, तो मेरा क्या हुआ, जो मेरा ग्लोबल था उसकी वैल्यू अपडेट हो गई। अब अगर कहीं आपने अगर बी यूज करना होगा तो आपको वैल्यू चेंज हुई मिलेगी, ये है हमारा इसका नुकसान। एंड देन नाउ उसके बाद हमारी आती है ES6। अब ES6 में क्या होता है, देखो वन ऑफ द फीचर दैट कम विद ES6 इज लेट एंड कॉन्स्ट। ES6 में हमारा आता है लेट एंड कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल। लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप, ये हमारा ब्लॉक स्कोप में जाता है। अब सपोज करो जैसे मैंने वेर के साथ डिफाइन किया था वैसे ही अब हम क्या करते हैं, लेट के साथ डिफाइन करते हैं, लेट बी इक्वल टू हाय रोहित, ओके, एंड हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, हाय रोहित आजाद, कंसोल डॉट लॉग में आप बी को प्रिंट कराओगे तो आपकी वैल्यू हाई रोहित आजाद आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, परफेक्ट है। सेम चीज़ हमारा वेर में भी हो रहा था और लेट में भी हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, सेम चीज़ आ गया हमारा। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, दोबारा से लेट बी इक्वल टू, इसको मैं रीडिक्लेयर करके इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, हाय जावास्क्रिप्ट, रेफरेंस एरर दे दिया इसने, अंकोड सिंटेक्स, ओ सॉरी मेरा सिंटेक्स एरर आ गया। हाँ भाई अब देखते हैं, अनडिफाइन लेट बी, मेरा अनडिफाइन आ गया। अब बी को मैंने चेक किया, बी की वैल्यू हाई जावास्क्रिप्ट, ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या कहता है ये कि भी हमारी अपडेट वैल्यू होगी, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया, सेम वही चीज़ आ गई अब यहाँ पे, इसको मैंने रीलोड किया ताकि हमारा रिफ्रेश आ जाए, लेट बी की वैल्यू हाय रोहित, एंड मैंने एक कंडीशन डाल दी, इस पे आउटपुट क्या आएगा, इफ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है और लेट बी मैंने हाय आज़ाद कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया, तो आपकी वैल्यू सिंटैक्स एरर आ गया, कंसोल डॉट लॉक की वैल्यू आपकी हाई आजाद, जबकि ऊपर भी आपने बनाया था और ये चेंज हो गया। अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉक इसकी वैल्यू को, बी की वैल्यू को क्या आना चाहिए, हाई रोहित, क्यों हाय रोहित क्यों आया और यहाँ पे हाय आज़ाद आया है, इसलिए देखो मैंने लेट के थ्रू बी की वैल्यू डिफाइन करी हाय आज़ाद, हाय रोहित सॉरी हाय रोहित, यानी कि यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद मेरा ब्लॉक स्कोप आता है,
ब्लॉक स्कोप में मैंने क्या किया, कंडीशन पास कर दी और उसको रीडिक्लेयर कर दिया लेट बी हाई आजाद। कंसोल डॉट लॉग में बी को प्रिंट कराया। जैसे मेरी ये कंडीशन रन हुई तो इसने चेक किया, अच्छा लेट है बी डिक्लेयर कर दिया हाई आजाद, तो इसने कंसोल डॉट लॉग बी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, यहाँ तो मेरा मुझे क्लियर है। अब नेक्स्ट मैंने दोबारा से बी को प्रिंट कराया तो इसने बी की वैल्यू क्या ली, हाय रोहित। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ग्लोबल कॉल कर रहे हैं। ये है हमारा लेट और वेट में फ़र्क। जो प्रॉब्लम हमें वेर कीवर्ड में आई थी वो यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गई है। तो लेट जो हमारा है, लेट एंड कॉन्स्ट, ये हमारा फंक्शन के साथ साथ ब्लॉक स्कोपिंग भी है। यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। एंड एक चीज़ और, सपोज मैंने क्या किया, पेज को रीलोड किया, कंसोल मेरा क्लियर हुआ, लेट ए की वैल्यू मैंने कर दी 5, लेट ए की वैल्यू मैंने कर दी 10। अब ए की वैल्यू का मैंने क्या किया, 10 आ गया। सेम हम इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। स्कोपिंग हो गया हमारा, यहाँ पे होस्टिंग होती है लेट की, होस्टिंग ऑफ लेट, जैसे हमारी वेर की होस्टिंग थी। अब होस्टिंग में हम देखते हैं, सबसे पहले आपको होस्टिंग भी क्लियर कराते हैं। देखो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ए को किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, वेर ए इक्वल टू हाय रोहित, क्या प्रिंट होएगा पता ही आपको। पिछली बार इससे पहले हमने ट्राई किया था, अनडिफाइन आएगा जी। बट सेम चीज़ अगर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने बी ले लिया, ठीक है, और मैंने लेट, सॉरी वेर नहीं आएगा, लेट आएगा, लेट बी इक्वल टू हाय आजाद, अब क्या आएगा, अब भी आप बोलोगे अनडिफाइन आएगा, राइट। ट्राई कर, नहीं, अनकैच रिफरेंस एरर, बी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब आपने इसको पहले डिक्लेयर करना है उसके बाद कॉल करना है, एक इसमें ये फ़र्क है। यहाँ पे हमारा ये अनडिफाइन हमें मिल गया था क्योंकि ये डिक्लेयर हो गया था थ्रू ऑफ द होस्टिंग, बट होस्टिंग यहाँ पे नहीं चली। तो कॉन्स्ट और लेट दोनों सेम है, रिफरेंस एरर आएगा आपको, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये स्पेसिफिकली इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि आपको दो चीज़ दे दी गई हैं, इसका तो आ गया बट इसका क्यों नहीं आया। चलो ठीक है, आपने बता दिया कि रिफरेंस एरर आया सेकंड वाले बी का, बट ये एरर क्यों आया, इसका रीजन क्या है, जबकि यहाँ तो ये अनडिफाइन आया है होस्टिंग। नाउ अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कॉन्स्ट। यस, कॉन्स्ट। अब आपने देखा वेर के अंदर और लेट के अंदर क्या डिफरेंट है, क्या सिमिलैरिटी है। अब कॉन्स्ट का नंबर कॉन्स्ट आता है। व्हेन यूजर डिक्लेयर ए कॉन्स्ट वेरिएबल दे नीड टू इनिशियलाइज इट, अदरवाइज इट रिटर्न एन एरर। द यूजर कैन नॉट अपडेट द कॉन्स्ट वेरिएबल वंस इज डिक्लेयर, मतलब जैसे ही आपने कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया आप उसके बाद ही इसको यूज कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप पहले करते हो तो ये रिटर्न एन एरर देगा, जो भी हमने लेट के साथ देखा। यूजर कैन नॉट अपडेट कॉन्स्ट वेरिएबल, यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है, किसे वेरिएबल बोला है, कॉन्स्ट वेरिएबल जो एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया है आप उसको दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते। यानी कि जो चीज़ आपने वेर और लेट में की थी अब आप कॉन्स्ट में वो नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि भाई मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ए की मैंने वैल्यू कर दी हाई रोहित, ठीक है। अब मैं अगर ए की वैल्यू अपडेट करने जा रहा हूँ हाय आजाद, तो
क्या होगा, अपडेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेट्स ट्राई। नहीं हुई, इसने एरर दे दिया। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, अनकोस एरर, आपने कॉन्स्ट का जो एक वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन कर दी है, डिक्लेयर कर दिया, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। ये है कॉन्स्ट एंड लेट में फ़र्क। आप इसको री डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और आप इसमें कोई वैल्यू अपडेट भी नहीं कर सकते। लेट्स हम ट्राई के साथ एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने कॉन्स्ट की वैल्यू ए की 5 देता हूँ, रीलोड करूँ ना, एरर आ जाएगा फिर से। ए की वैल्यू 5 आ गई, एक मैंने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर मैंने ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया, कंसोल डॉट लॉग ए किया है, ठीक है, बताओ क्या आएगा। मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, सोचो, ए की वैल्यू डिफाइन कर दिया ग्लोबली 5, फंक्शन मैंने फ़ोन बनाया, ए की वैल्यू मैंने 4 कर दी अपडेट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए आया, क्या आएगा? आप बोलोगे एरर आएगा, कुछ लोग बोलेंगे 5 आएगा, कुछ लोग बोलेंगे 4 आएगा। ऑब्वियसली 5 तो खैर नहीं आएगा, 4 ही आएगा, 5 तो लॉजिक ही नहीं है। मैंने इसको कॉल किया, देखते हैं। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, वही जो भी मैंने पहले बताया था कि आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लोबल है और आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हम आते हैं यहाँ पे। अब सपोज करो, ठीक है, अभी मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, बट क्या मैं ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता हूँ? मेरा सपोज के एक कॉन्स्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर, यूज़र में क्या क्या है भाई, हमने चेक कर लिया। हाँ, इसका नेम है रोहित आज़ाद, एज है इसकी 35। अब अगर मैं यूज़र डॉट एज को 36 चेंज करता हूँ, क्या चेंज होगा? ट्राई करते हैं। लेट्स, मैंने दोबारा से यूज़र टाइप किया, मेरी वैल्यू आ गई रोहित और एज आ गई 36। यस, यानी कि कॉन्स्ट में आपने अगर वेरिएबल असाइन किया है तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, बट अगर आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। यहाँ हमने ये देखा, ये हमारी वैल्यू थी, उसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यही आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम जब कॉन्स्ट में किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्या हम किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते? आपने बोल दिया कि जी कॉन्स्ट आपने एक बार डिफाइन कर दिया, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्या वैल्यू हम सच में चेंज नहीं कर सकते? नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, बट वो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सपोज देखो, सेम वही, मैंने क्या किया, आ दिया और इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज हो गई, यूजर आ गई ना चेंज, ठीक है भाई, आप कह रहे हो चेंज कर सकते हो, बट मैंने सोचा कि चलो यार चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको दोबारा से वैल्यू चेंज कर दी, यूज़र है ना, यूज़र की मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी थी 36। यहाँ हमने प्रिंट करा कर देखा, सब कुछ आ गया। अब मैंने क्या किया, यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया पूरा, उठा के नेम रोहित आज़ाद मलिक कर दिया, एज 33 कर दी, ठीक है। क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, इसने असाइनमेंट टू कॉन्टेंट्स वेरिएबल एरर क्यों दे दिया, जबकि यहाँ तो उसने वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो ये मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्स्ट को अपडेट कर रहे हैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को। आप पूरा ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर नेम चेंज कर सकते हो, इसमें मैं यहाँ पे एज चेंज कर सकता हूँ, बट आप अगर पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। ये है मेन चीज। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, मैंने क्या किया है? देखो, एक कॉन्स्ट बनाया वेरिएबल यूज़र कॉन्स्ट रोहित,
अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर ही मैंने यूज़र नेम कर दिया, आज के अंदर मैंने आज़ाद मलिक कर दिया, कंसोल डॉट लॉग मैंने यूज़र नेम कर दिया, ये मेरा डिक्लेयर हो गया। अब अगर मैं गेट यूजर नेम को कॉल करता हूँ, क्या वैल्यू आएगी? रोहित आएगी, रोहित या फिर आज़ाद मलिक आएगी या फिर एरर आएगा। यू कैन ट्राई टू योर साइड, जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक। नाउ हम ट्राई करते हैं, अभी आज़ाद मलिक आ गया। भाई कैसे आ गया आज़ाद मलिक, जब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो आपने दोबारा से कैसे चेंज कर दिया इसको? आप इसको डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कैसे चेंज हो गया ये? आप ध्यान से देखो कोड क्या है। मैंने ग्लोबली यहाँ पे डिफाइन किया कॉन्स्ट यूजर नेम रोहित, यहीं पर ही आप कंफ्यूज होते हो इंटरव्यू क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्ट गेट यूजर के अंदर एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैंने दोबारा से कॉन्स्ट को बनाया है यूजर नेम, ये फंक्शन स्कोप के अंदर है, ये वाला ग्लोबल नहीं ले रहा। इसने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे साइन की, आपने यहीं पर ही इसको आप एक्सेस कर रहे हो, ख़त्म। अब अगर मैं यूजर नेम को ही प्रिंट कराऊँ तो मेरा देखो रोहित आ रहा है, तो ये है हमारा बेसिकली लेट कॉन्स्ट वेर। ये चीज़ें हैं, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये आपका मेन डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है इसमें सिंपल। आप ये देख सकते हो कि भी हमारा जो वेर है, वेर हमारा पुराना था, वेर को अपडेट किया गया है, लेट आ गया है। लेट और वेर में सब कुछ सेम है, बट वो लेट हमारा फंक्शन और ब्रैकेट स्कोप है, बट वेरिएबल हमारा सिर्फ और सिर्फ फंक्शन स्कोप में काम करता है, इफ कंडीशन में वो काम नहीं करता, जो कि हमने ट्राई किया था। लेट को भी आप दोबारा रिडिक्लेयर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस ये फ़र्क है। अब आता है कॉन्स्ट में क्या है भाई, कॉन्स्ट भी अलग है। लेट और कॉन्स्ट की होस्टिंग आपने देखी अभी, और जो वेरिएबल है उसकी देखी आपने। अब यहाँ पे जो कॉन्स्ट है उसको हम एक बार डिक्लेयर करते हैं, उसकी दोबारा हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये फ़र्क है। बट अगर कॉन्स्ट में आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है, आप होल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो अब हमें कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए कॉन्स्ट को, वेरिएबल को? तो देखो अभी हमारा होता है वेर, वेर हमारा हो चुका है ओल्ड, तो इसके तो हमें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हो, ES6 यूज करते हो, तो वहाँ आप यूज करोगे लेट एंड कॉन्स्ट। अब ये लेट एंड कॉन्स्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सेम वही है जहाँ आप वेर यूज करते हो, अब वेर की जगह आपको यूज करना है लेट, सिंपल फंडा। एंड कॉन्स्ट को कहाँ यूज करना है? कॉन्स्ट को बेसिकली वहाँ यूज करना है जहाँ मान लो आपके पास एक वैल्यू है और चाहते हो कि वो वैल्यू आगे चल के कहीं भी चेंज नहीं होगी। सपोज आपकी API URL है, डोमेन नेम है, या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ है जिसको आपने कुछ मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन करना, एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सेट्रा, या फंक्शन बना रहे हो कि मेरा फंक्शन चेंज ही नहीं होगा आगे जाके, मैंने एक फंक्शन बना दिया, तो वहाँ पे आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। सॉरी ये URL की ना स्पेलिंग गलत हो गई, कीबोर्ड ना बार बार बहुत दिक्कत दे रहा है। कोई नहीं, आज के लिए इतना था, होप यू एंजॉय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।